हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बीएससी जूलॉजी सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल में रैबिट बोन्स के ऊपर पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ। ये क्वेश्चंस वाईवा में नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपके वाईवा में नहीं पूछते हैं तो भी आप ये सोचें कि आगे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएगा, और नॉलेज जो है वो हमेशा काम ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रैबिट में सबसे छोटी बोन का क्या नाम है। तो रैबिट की सबसे छोटी बोन जो होती है वो स्टेपिज होती है। क्वेश्चन नंबर 2, रैबिट की सबसे बड़ी बोन्स का क्या नाम है। रैबिट की सबसे बड़ी बोन जो होती है वो फीमर होती है। ओलेक्रोनन प्रोसेस किससे बनता है। तो इसका आंसर है अल्ना की प्रॉक्सिमल एंड से बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेल्टोइड रिज किस में होता है। सो इसका आंसर है कि रैबिट की ह्यूमरस बोन में डेल्टोइड रिज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रैबिट का स्कल जो है वो किस टाइप का होता है। सो रैबिट का स्कल जो है वो डाइकोंडाइलिक और ट्राइपोबेसिक टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रैबिट का लोअर जॉ किसका बना होता है। तो केवल डेंटरी का बना होता है। पूरी एक बोन होती है उसे डेंटरी कहते हैं। ईयर में टिम्पैनिक कैविटी में ईयर ऑसिकल्स का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑर्डर होता है मैलियस, इनकस एंड स्टेपिज, MIS। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रैबिट की किस बोन में सिग्मोइड नॉच प्रेजेंट होती है। तो इसका आंसर है रेडियस अल्ना में, अल्ना में सिग्मोइड नोच जो होती है वो प्रेजेंट होती है। रैबिट में किस टाइप के टीथ पाए जाते हैं। सो रैबिट में हिटरोडोंट और डाइफोडोंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं, विषम दंती और द्विभार दंती। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रैबिट की एटलस वर्टिब्री में सेंट्रम प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है। सो इसका आंसर है कि रैबिट की एटलस वर्टिब्री में सेंट्रम एब्सेंट होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या पढ़ना है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।